बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी की नाव डुबा दिया तेजस्वी यादव जी ने, जिसको कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कह रहे थे, जैसे ही बीजेपी से यारी हो गई वो सब हो गए सदाचारी। फिट होने लगे मोदी जी तब चार्जशीट कर दिया। अब ये अपना इलाज कराना चाहती है दवाई, ITED CBI। लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार, सारे भ्रष्टाचारी हो गए भाजपा के यार। कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारों से। NCP में हुई बड़ी टूट के बाद अब बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जदयू के बहुत सारे नेता जो है हमारे संपर्क में है, दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ लेंगे तो अब भाजपा में नहीं आएंगे। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मिथुनजय तिवारी हैं। ऐसी खबरें चल रही है कि अब महागठबंधन में भी टूट होने वाली है ज़बरदस्त, क्या कहेंगे? ये कौन बोल रहा है? जिस बीजेपी का सपना बिहार में टूट गया अब वो इधर टूट की बात शुरू कर दिए हैं। बीजेपी वालों को देखिए, भाजपाइयों को, ये महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया है उसका असर बिहार में ये खोज रहे हैं। वो भूल गए कि इसी बिहार में पिछले ही सावन में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी की नाव डुबा दिया तेजस्वी यादव जी ने, और पिछले बार भी इस महाराष्ट्र में इन्होंने खेला किया था शिंदे सरकार बनाकर, बदला कैसा लिया सबने देखा, अभी फिर इन्होंने छेड़ा है। महाराष्ट्र में सारे जिसको कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कह रहे थे, जैसे ही बीजेपी से यारी हो गई वो सब हो गए सदाचारी। ये है इनका भ्रष्टाचार पर प्रहार, जो बीजेपी से करेगा यारी वो हो जाएगा सदाचारी, और जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। पहले भी जदयू के कई सारे नेता टूट गए हैं, अब चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे विधायक जो हैं उनके संपर्क में। देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेल शुरू किया जी। बिहार में उनका अंत होगा खेल का, हम लोग करेंगे। महाराष्ट्र का खेल का अंत बिहार में होगा, और लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी ही करेंगे। ये बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, चार सीट हो गया तो तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आशंका जताई थी कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर चार सीट में ज़बरदस्ती नाम डाला जाएगा मेरा, डाला। लालू जी ने कहा था विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में कि हम फिट हो गए, मोदी जी को फिट कर देंगे, तो फिट का रिएक्शन देखिए, फिट होने लगे मोदी जी तब चार्जशीट कर दिया। गला फाड़ कर कह रहे थे 20,00,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, NCP के जिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के ED के IT के CBI के थे वो सारे मंत्री हो गए। अब ये देखिए, BJP मतलब क्या है? बीमार जनता पार्टी। अब ये अपना इलाज कराना चाहती है दवाई, ITED CBI। अब ये दवाई का ओवरडोज हो गया। पहले कभी कभी लोग सुनता था कि आज छापामारी हुआ, आज CBI, अब तो हर सुबह देखिए छापेमारी, चार्जशीट, ये सब ओवरडोज से। बीच में तो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये दवाई जो है अब ओवरडोज, अगर दवाई का खा लीजिएगा तो रिएक्शन होता है, अब उसका रिएक्शन होने लगा है। अब 24 में बीजेपी को जनता के पास हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर जनता को आपने कर दिया बीमार। टमाटर हो गया महंगाई से, जनता गुस्से से है लाल, टमाटर की महंगाई सबको पता है ना, इस पर बीजेपी नहीं बोलेंगे, स्मार्ट सिटी पर नहीं बोलेंगे, नमामि गंगे परियोजना का हश्र देखिए, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, नहीं बोलेंगे, सांसद गांव गोद लेंगे, नहीं बोलेंगे, रोजगार पर तो बोलेंगे ही नहीं, लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार, अब जनता भी हो गई समझदार, अब पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर ये कैसा प्रहार कि सारे भ्रष्टाचारी हो गए भाजपा के यार। सुशील कुमार मोदी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो, नाक भी रगड़ लेंगे तो नहीं, उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर तो कोई प्रतिक्रिया देना ही उचित नहीं है। 365 दिन 24 घंटे उनको इस्तीफा लेना है तेजस्वी जी से, उनको मुकदमा करना है, उनको बर्खास्तगी करवाना है, इसके अलावा क्या करना है? अब इसके बावजूद अगर उनको कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोगों की शुभकामना है। आदरणीय सुशील मोदी जी तेजस्वी यादव जी को डिप्टी CM से बर्खास्तगी कराते कराते अपने खुद ही बर्खास्त हो गए, डिप्टी CM भी नहीं रहे ना केंद्र में मंत्री हैं। लैंड फॉर जॉब मामला एक बार फिर से निकल गया, वापस आ गया, क्या डर है तेजस्वी यादव को? लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी यादव जी कहीं
उसमें हैं ही नहीं, उसमें नाबालिग थे। ये तो पॉलिटिकल लड़ाई के कारण ये नाम उनका घसीटा गया है और ये बंद केस को फिर से खोला गया। तो सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा, बाकी जन अदालत, जनता की अदालत सर्वोपरि है लोकतंत्र में। 32 हेलीकॉप्टर आया था तेजस्वी यादव जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ने भाजपा की 2020 में, इसके बाद तेजस्वी यादव जी का एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अब फिर जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वो जांच एजेंसियों को माध्यम बना रहे। अरे बीजेपी को खुली चुनौती है कि कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारों से। आखिरी सवाल, जिस तरह से चिराग पासवान की मुलाकात ओसामा साहब से हुई है, क्या लगता है कि भाजपा में ओसामा साहब शामिल होंगे? अब देखिए ये सब तो जो कयास हैं वो तो सब लोग लगाते हैं, राजनीति में सब लोगों का सबसे संबंध होता है। अब हमारी पार्टी के नेता श्री साहबुद्दीन साहब रहे, अब वो दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम वाक्य था कि हम अंतिम सांस तक हमारे नेता लालू जी हैं और लालू जी रहेंगे। मीना साहब जी हम लोगों की पार्टी से दो तीन बार उम्मीदवार सिवान लोकसभा से रहे, तो हमें नहीं लगता है इन बातों में कोई दम है। और बाकी हमारा नेतृत्व है, वो पार्टी की सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मिथुन तिवारी थे। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी एकता की बैठक सफल होने के बाद लगातार जो है विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। महाराष्ट्र में भी जो है एनसीपी की टूट हो चुकी है, अब बिहार में भी शायद खेला हो सकता है। जिस तरह से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि जदयू के बहुत सारे ये विधायक जो हैं वो उनके टच में, अब देखना यह है कि आगे जाके ये राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।